हेलो फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड रुपीज 900 एज जीएसटी। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम मिस्टर पंकज ने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसमें 900 एज जीएसटी पेड किया है और जो जीएसटी परसेंट है वो 18% है। देन आपको उनका प्रीमियम विद जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, तो गिवन में है आपका फर्स्ट एस जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 900। नाउ सेकंड वन जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू 18%। नाउ फ्रेंड, अब ये जो एस जीएसटी है वो 900 है, तो एस जीएसटी परसेंट हमें निकालना होगा। तो एस जीएसटी परसेंट हो जाएगा आपका जीएसटी परसेंट बाय 2, जो कि है आपका 18% बाय 2, यानी कि 9%। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर जीएसटी 900 दिया है और जीएसटी परसेंट भी हमने निकाल लिया है, तो जो उनका प्रीमियम है अननोन है उसका 9% इक्वल टू 900 होगा। तो हम अब अननोन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट बी द पॉलिसी प्रीमियम इज इक्वल टू रुपीज एक्स। नाउ एक्स ऑफ 9% इज इक्वल टू 900। नाउ ये हो जाएगा 9x/100 इज इक्वल टू 900। नाउ एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 100/9, इससे कैंसिल होके आ गया 100 और 100 इंटू 100, 10,000। नाउ अब हम बिल की अगर बात करते हैं तो बिल में आएगा आपका प्रीमियम जीएसटी। अब जीएसटी में यहां पर ये जीएसटी और जो सीजीएसटी होगा वो भी सेम होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं टोटल प्रीमियम का डायरेक्टली 18% निकाल लेते हैं। तो हम वही करेंगे, ये जो आपका प्रीमियम आ गया उस पर हम जीएसटी, क्योंकि सिर्फ यहां पर आपको डायरेक्टली जीएसटी दिया है तो हम जीएसटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीमियम हो गया आपका 10,000 और जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 ऑफ 18% मीन्स 18/100 और ये 2 कैंसिल होकर आपका आ गया 1,800 और टोटल आपका जो बिल हो जाएगा विद जीएसटी 11,800। तो मिस्टर पंकज विद जीएसटी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करेंगे वो करेंगे 11,800 रुपीज। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ फ्रेंड, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमें गिवन है एस जीएसटी उसको मेंशन कर लिया, जीएसटी परसेंट 18% है, देन आफ्टर एस जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, क्योंकि जो जीएसटी होता है वो एस जीएसटी और सी जीएसटी में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो हमने इसको 18/2 कर लिया, 9%। नाउ 9% ऑफ जो भी उसका प्रीमियम होगा पॉलिसी का वो इक्वल टू एस जीएसटी होगा। तो हमने जो आपकी पॉलिसी प्रीमियम था उसको एज्यूम कर लिया, देन एक्स ऑफ 9% इज इक्वल टू 900। यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कि आई है 10,000, वो पॉलिसी का प्रीमियम होगा। देन आफ्टर, अब जीएसटी डायरेक्टली है, वैसे तो एस जीएसटी और सी जीएसटी करके भी आप इसको कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये होगा आपका प्रीमियम, यहां एस जीएसटी और सी जीएसटी, तो 10,000 और ये आपका हो जाएगा 900 और ये आपका 900, देन इसको टोटल कर लेंगे तो भी यही आएगा। या फिर डायरेक्टली जो आपको यहां पर है जीएसटी, सिंपली आप प्रीमियम का 18% निकाल लेंगे जो कि हमने किया है, तो आपका आएगा 1,800, देन प्रीमियम प्लस जीएसटी दोनों को ऐड कर लिया तो आपका आ गया 11,800 रुपीज इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।